हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं फ्रेंड बहुत अच्छी हूँ। जैसे कि आज संडे है, घर में पूरा काम हो चुका है, सफाई हो चुकी है, डस्टिंग वस्टिंग सब हो चुकी है। अब मैं जा रही हूँ किचन में, तो कपड़े मैंने धोने के लिए डाल दिए हैं क्योंकि अब सर्दियाँ जा रही हैं, तो ब्लैंकेट्स वगैरह हो रहे हैं। एक ब्लैंकेट तो मैंने धो दिया, बाकी दूसरे रूटीन के कपड़े डाले हुए मैंने धोने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज बच्चों की फरमाइश आई है मलाई कोफ्ता, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा बने बुरा बने, जैसे ही बने मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगी। तो उम्मीद है अच्छा ही बनेगा, ट्राई करते हैं। चलिए बनाते हैं मलाई कोफ्ता। पहले मैं फ्रेंड्स थोड़े से कपड़े निकाल के आ रही हूँ वॉशिंग मशीन से, तो उसके बाद ट्राई करते हैं मलाई कोफ्ता। अभी टाइम हो रहा है 1 बजने वाला है, तो 1 घंटे 2 बजे हम लंच करते हैं, 2 बजे तक हमारा लंच प्रिपेयर हो जाएगा। तो अभी मैं पहले कपड़े डाल दूँ, धूप निकली है खिली हुई अच्छी, तो ब्लैंकेट मैंने रात को ही डाल दिया था, वो लगभग मैंने सुबह ही सूखने के लिए डाल दिया है। अब रूटीन वाले कपड़े हैं वो निकाल के आती हूँ, तो फिर चलो आप भी चलने मेरे साथ, तो आप भी चलो। चलो ऊपर चलते हैं फ्रेंड्स, ऊपर जाते हैं। फ्रेंड ये मेरी बेटी शिवानी। शिवानी नहा लिया बेटा? तो क्या आज अब मेरी हेल्प कराओगे मलाई कोफ्ते में? क्या हेल्प कराओगे आप मेरी? पहले अपना टॉवल बाहर धूप में डाल के आओ, पहले टॉवल डाल के आओ बेटा, जल्दी से भाग जा। और फिर मेरे को थोड़ा लहसुन अदरक वगैरह पेस्ट बना दे, तो मैं अब उतनी देर में अपना काम करती हूँ। चलिए फ्रेंड चलते हैं अब किचन की तरफ। चाय पानी नाश्ता तो हमारा हो चुका है, लेकिन किचन वैसी फैली हुई है। देखिए अभी माइक्रोवेव फिर से ठीक नहीं हुआ फ्रेंड्स, ये खाली खाली जगह लग रही है यहाँ पर। अभी फिर कल मैंने भेजा है, उसमें से थोड़ी स्मेल आ रही थी, तो अभी चलो जब ठीक हो के आएगा तब। ये तीसरी बार गया माइक्रोवेव मेरा, ये बर्तन मेरे सब पड़े हैं। पहले मैं किचन क्लीन करती हूँ, सारा सामान सेट करती हूँ, बर्तन धोती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी मलाई कोफ्ता। फ्रेंड्स मैं शिवानी, शिवानी ये बेटा काट दो अपना, मैं अभी किचन में बर्तन वगैरह धोती हूँ थोड़ी देर में। ये लो ये प्लेट ले ले, नीचे नहीं गिराना बिल्कुल भी, ठीक है? चलो फ्रेंड्स अभी चलते हैं, हस्बैंड जी भी अपनी तैयारी कर रहे हैं जाने की। चलो हम करते हैं किचन को क्लीन फटाफट से। ये देखिए पहले बर्तन वगैरह फ्रेंड्स इकट्ठे हो जाएंगे, तो अभी यहाँ पे सामान काफी पड़ा हुआ है इसको पेस्ट के लिए। ये फ्रेंड्स मैं सारी पानी वाली बॉटल्स रखती हूँ, ये जार जार है नीचे, ये मेरा अचार है, ये भी अचार है, कपड़े हैं ऊपर 18 मिनट है, तब तक मैं बर्तन धो के पहले कपड़ों को निकाल के आऊंगी ताकि कपड़े हो जाएं अच्छे से साफ। ये तो हो गया हमारा किचन का सारा सामान क्लीन। फ्रेंड्स जो सा ये डस्टिंग वाला कपड़ा मैं थोड़े दिन बाद इसको चेंज कर देती हूँ, मेरे पास टॉवल जो से खराब हो जाते हैं, तो उनको मैं देखिए हाफ किया हुआ इसका भी मैंने 10-15 दिन के बाद, यानी कि इसको अच्छे धोती रहती हूँ, लेकिन फिर भी इतनी चिकनाई जा रही होती है, इतना सफाई नहीं हो पाती उससे, तो मैं उसको धो ही देती हूँ, सॉरी डिस्कार्ड कर देती हूँ, यानी कि फेंक देती हूँ उसको। चलिए फ्रेंड्स अभी पहले धो लेती हूँ बर्तन, बर्तन थोड़े से हैं, ज़्यादा नहीं है बर्तन, तो पहले बर्तन की तरफ रुख करते हैं अपना। ये देखिए चाय वाले नाश्ते वाले बर्तन अभी हमारे। फ्रेंड्स शिवानी ने इधर आलू हो गए बेटा, आलू को मेरे पास उबले हुए नहीं थे मैंने, इसलिए जल्दी करने के लिए मैं वो कद्दूकस कर लिए, और लहसुन वगैरह इधर प्याज वगैरह सब उसने करके रख दिया, और मेरे बर्तन वगैरह हो चुके हैं, थोड़ा तो बनाना शुरू करते हैं सब्जी को। फ्रेंड ये कद्दूकस किए हुए आलू, इसमें से पानी हो रहा है, इसको पहले ना पानी को अच्छे से निचोड़ दूंगी, इसको एक बाउल में निकालूंगी क्योंकि ये पानी बहुत काम का है, फिर बताऊंगी इसका क्या काम आएगा। ये फेस पे लगाओ तो आपके पूरे दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं,
डार्क सर्कल हो तो उस पे लगाओ तो उस पे डार्क सर्कल चले जाते हैं, निकाल देंगे नहीं तो हमारा बैटर अच्छे से नहीं बनेगा। ये सोनी गैस लीक कर रहा है बेटा मेरे को लग रहा। इसी के अंदर फ्रेंड्स मैं ना पनीर को हल्का हल्का ऐसे करके इसमें थोड़ा सा डालूंगी, मैं क्या डालूंगी मैदा, थोड़ा सा मैदा डाल दूंगी इसमें फ्रेंड्स ताकि ना ये चलो बाटो कट्ठे बोल देंगे चलिए कट्ठे बच्चा। नमक ये डालो फ्रेंड्स, नमक टेस्ट अनुसार डालना है, थोड़ी सी लाल मिर्च और एक हरी मिर्च भी डाल दूंगी मैं, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूं। आप चाहो तो एक आधी हरी मिर्च भी काट के डाल सकती हूँ मैं, इसको ये दो हरी मिर्च ले रही हूँ इसको बारीक काटूंगी। मैं इसको सीजर से ही फ्रेंड्स काट रही हूँ, इसे जल्दी बारीक कट जाएगी काफी। भी 10-5 मिनट इसको ऐसे रहने देती हूँ, हो जाएगा तो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। फ्रेंड्स ये तेल गर्म होना रख दिया मैंने, अब इसके बना रही हूँ मैं हल्के छोटे छोटे बॉल से बॉल बनाऊंगी ताकि फ्रेंड्स ऐसे बॉल्स बना के रख रही हूँ मैं। फ्रेंड्स अब मैं इसको हल्का हल्का पहले वो लगा दूंगी मैदा, इसको बिल्कुल सॉफ्ट, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। अब इसके अंदर डाल रही हूँ, सिम पे रखी हूँ। ज्यादा नहीं डालूंगी, ये डाल दूं बस। ये फ्रेंड्स अभी हिलाऊंगी नहीं इसको क्योंकि बहुत ज्यादा सॉफ्ट है ये, तो अभी एक साइड से हो जाएंगे। तो मैंने गैस की फ्लेम भी बहुत स्लो रखी हुई है फ्रेंड्स, ये देखिए हल्के हल्के ब्राउन होने में, बहुत फ्लेम सीम में इसकी गैस की, ये जब थोड़े हल्के ब्राउन हो जाएंगे तो निकालूंगी बाहर। चारों तरफ से मुझे इसको करना है ब्राउन, ये देखिए क्योंकि सॉफ्ट है इसलिए बहुत सावधानी से मैं यूज कर रही हूँ इनको, ज्यादा टमाटर वगैरह काट के रख रही है तो इधर ये हो गए हैं काफी, ये देखिए हल्के ब्राउन हो गए हैं, मैंने मस्टर्ड ऑयल में किया है, देखिए लगभग हो गए हैं ब्राउन ये, इसको मैं निकाल रही हूँ। हो गया इसको और डाल देते हैं जो सी ये वाले, ये भी बिल्कुल स्लो फ्लेम पे करूंगी। फ्रेंड ये भी हो गया लगभग बन चुके हैं, ये भी अभी इनको भी निकाल दूंगी मैं, ये देखिए बहुत ही नरम बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट बने हैं ये, इसको ठंडा होने रखती हूँ और जो से इसमें एक्स्ट्रा तेल है वो निकाल लेती हूँ। फ्रेंड्स ये ले रही हूँ मैं थोड़े से काजू हैं, ये
तेज पत्ता, हरी इलायची और ये थोड़े लौंग, काली मिर्च और ये उसको बोलते हैं वो जीरा, ये सारे मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। ये डाल दूं फ्रेंड्स मैं लहसुन अदरक रफली चॉप किया हूं मैंने। और ये डाले 3 से 4 प्याज, ठंडी हो गया। मैं इसके अंदर डालू टमाटर और हरी मिर्च, इसके अंदर डालूंगी हल्का नमक, ऐसे फ्रेंड मैंने इसमें निकाल लिया ठंडा करने के लिए इसको। अब इसको ठंडा होने देते हैं। फ्रेंड्स मैंने सारे इसके अंदर डाल लिया, अब इसको मिक्सी में पीस रही हूँ अच्छे से मैं। मैं डालू इसके अंदर मलाई पई है, देखो उबल गया। इसके अंदर डाल रही हूँ मैं कस्तूरी मेथी, ये जा रहा है धनिया पाउडर, ये थोड़ा सा जा रहा है गरम मसाला, ये जा रहा है गरम मसाला। देखिए इसकी ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। ये देखिए इसका टेक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया। अब ये डालूं मैं हरा धनिया कटा हुआ बारीक, मैं जी जिसने खाने होंगे। ये देखिए मलाई दे, ये देखिए गर्मा गर्म इसके अंदर जा रही ग्रेवी। और फ्रेंड्स ये जा रही है मेरी मलाई, फेंट दी थी मैंने ऊपर, ये जा रही हल्की मलाई और ये जा रहा ऊपर हरा धनिया। ये फ्रेंड्स ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे। मैंने फटाफट से रोटी बना रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने दिए पहले हिमांशु को खाने के लिए, बेटे को। अब खा के बताएगा इसका टेस्ट कैसा है। हिमांशु बताना बेटा कैसा है, देखने में तो अच्छी लग रही है, देखने में अच्छी लग रही है, खाने में बताओ कैसी है। सच बता अच्छी है, होटलों जैसी बनी है, तो जैसे रेस्टोरेंट में मिलती है ना। सच्ची बता रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी है। चलो इधर शिवानी जी भी खा रहे हैं। शिवानी जी आप बताओ कैसी लगी। अच्छी है। क्या अच्छी है, क्या खा रहे हो आप। मैं
पक्का टेस्टी है। ओके 10 of 2 हिमांशु आप 9 ओ वेरी गुड। चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं अभी कॉफी, मैं अपने लिए और बेटी के लिए बनाऊंगी। ये दोनों कप मेरे और शिवानी की चाय कॉफी है, अलग अलग मग है। शिवानी बेटा उठ जाओ, कॉफी। ये देखिए सो रही है शिवानी जी अभी तक। ये मैं अपने रखती शिवानी की अपनी ले रही हूँ, गर्मा गर्म कॉफी फ्रेंड्स पीनी है तो आ सकते हो। फ्रेंड चाय वगैरह हो चुकी है, मैंने अपना हाथ मुंह धो लिए हैं, अभी मैं जा रही हूँ भगवान जी की जोत जगाने के लिए। भगवान जी की पूजा करूंगी फिर उसके बाद चलेंगे किचन में। फ्रेंड्स मेरी पूजा हो चुकी है, मैं साथ साथ ये देखिए भगवान जी के भजन लगा लेती हूँ जब पूजा करती हूँ। ये फ्रेंड्स बर्तन धोए हुए, इनको इनकी जगह पे लगाती हूँ। इधर धोने वाले पड़े हैं, जग भर के रखना पानी का, आटा गूंदना है। चलो पहले इसी काम को करते हैं। अब इसको ना थोड़ी देर पानी में भिगो के रख दूंगी। पानी छोड़ भाई, एक आधा घंटा भिगो के रख के धुल ही जाएंगे और ये साफ हो जाएंगे। अब चलते हैं फ्रेंड्स बर्तन धोती हूँ। अरे ये दिया भी इनको ऐसे लगा देती हूँ, सारे सूख जाएंगे सुबह तक। ये फ्रेंड्स मैंने ऐसे लगा दिए, सुबह तक सूख जाएंगे ये बिल्कुल अच्छे से। अभी दूध भी आ गया, इसको भी गर्म कर लेते हैं दूध को। ये फ्रेंड्स मैंने कर लिया दूध, फ्रेंड्स किचन हो गई क्लीन। अब करते हैं कपड़ों की तय, इसको अभी दूध उबलने वाला, दूध उबल जाएगा तो मैं जाऊंगी। फ्रेंड्स कपड़े सूख चुके हैं, अब इसको इनकी जगह पे रख देते हैं। जिनको तय लगाना वो तय लगा दूंगी, तो जो प्रेस के लिए भेजने उसको एक साइड पे रख दूंगी। तो अभी फ्रेंड्स ये काफ़ी तो ऐसे तय लगा के रखने वाले ही हैं, तो मैं तय लगा देती हूँ, तो बाकी को मैं प्रेस के लिए बांध दूंगी। फ्रेंड्स सर्दियों में ज़्यादातर कपड़े तो तय लगाने वाले होते हैं, तो प्रेस के लिए तो कम ही निकलते हैं, क्योंकि मोटे मोटे स्वेटर होते हैं, लोअर हो गए, इनके लिए तो प्रेस की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि घर पे पहनते हैं बच्चे। आप प्रेस करने वाले घर में पहनने वाले भी कर लेते हैं, लोअर को भी प्रेस करते हैं, बट मैं नहीं प्रेस करवाती, क्योंकि रात को सोने के टाइम या घर पे रहते हैं तभी वो करते हैं प्रेस। फ्रेंड थोड़े से कपड़े गीले भी एक दो, मैंने उसको चेयर पर ऐसे रख दिया, बाकी मैंने लगा के तय और इसको अलमीरा में रख रही हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे पूरा देखा कीजिए और लाइक कीजिए। जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी नई वीडियो मैं डालूँगी वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच सके। तो आप इंजॉय कीजिए मेरी वीडियो को, कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक सबको बाय बाय, जय माता दी। फ्रेंड्स अपने कमेंट मुझे भेजते रहिए, अच्छे बुरे जैसे भी आपको लगते हैं अच्छे, या जब मेरी वीडियो बुरी लगती है तो कमेंट प्लीज़ मेरे साथ शेयर जरूर करना। तब तक के लिए बाय।